ये बारले की है, बारले जी सर, ये बारले का ये सर ये बकरी का हमारे जबान में इसको बोलते हैं ब्रो, ब्रो कहते हैं। बटर किसका है? ये बटर हमारे लोकल है। गाय का? गाय का घी। ये हम आज लोमा करता हूं। लोमा के कहते शेरी, ये हमारे दादा हैं। ये सही बड़ा यहां पर है। ये सलेशन ऑनलाइन में रोशन नाम देने करीब में पाया जाता सर, जिसका इस डीप का चाय भी बनता है और इसमें हाई कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ टैनिन है। टैनिन पे एंटी क्या क्या पेड़ है ये? ये सर ये रोशन ऑलिव, रोशन ऑलिव का पेड़ होता है जिसको हमारे जबान में सफी है। इसका सर मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा है। ये क्या बनाया है? ये हमारे दिया है सर, ये पुराने हमारे मतलब इसको ये सर इसका भले बनता है सर, इसमें ये पूरा बन सकता है। ये एप्रिकॉट कर्नल का जो बिल्कुल हालांकि खाने का नहीं, तो इसको वो एनॉल्सिंग उसी में इसको इसे करवापन पर निकाल देते हैं, क्योंकि सर इसका मैं वाटर क्या होता है एस सी एम यूज हो रहा है, एस सी एम थोड़ा प्रॉब्लम करता है। एस सी एम निकालने का तरीका दो है, या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, बट कस्टिंग सर ना जिसका नतीजा जो है वो आज हायर सेकेंडरी स्कूल शरगोल में देखने को नजर आता है। इसके साथ साथ मैं इस खूबसूरत लम्हे के साथ इस बात का भी इस्तफादा सबको फिर से मेरा नमस्कार, सलाम।
सबसे पहले मैं काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री अली चंदन साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले साल मैं नहीं आ सका, इसका मुझे बहुत बहुत दुख हुआ पिछले साल, और इस बार मैंने अली चंदन साहब को बोला था कि डेफिनेटली आऊँगा, वेदर खराब हो वेदर ठीक हो, लेकिन यहाँ आना ज़रूरी है। एक बार वायदा किया था, पूरा नहीं हुआ, इस साल ज़रूर। अली चंदन साहब को मुबारकबाद इसलिए हुई कि उनकी लीडरशिप में बहुत से डेवलपमेंट काम शुरू हो गए हैं, बहुत से डेवलपमेंट काम होने वाले हैं। ये फेस्टिवल जो कि उन्होंने शुरू करा, एक नया रूप देकर, एक नया अवतार देकर, जिससे कि एक तरह से जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको मॉडर्न ज़माने से जोड़ दें, उसको मॉडर्न टूरिज्म से जोड़ दें, ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको बहुत बहुत मुबारक है इस कंसेप्ट। ये सारा काम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब की लीडरशिप में हो रहा है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत से नई चीज़ें शुरू करी हैं उन्होंने डिफरेंट एरियाज में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके वो एड्रेस करते जा रहे हैं, नए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और ऐसा मुझे लगता है लेह में बैठकर अक्सर कि कारगिल एक नए अवतार में एक नई तेजी से आगे बढ़ रहा है, आमदनी का जरिया भी ये हो सके। मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल है, यहाँ जो कुछ मैंने देखा उससे बहुत सारे मेरे दिमाग में नए आइडियाज जनरेट हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ काउंसिल के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाए, देखें कि इसको अगले सालों में मामनी फेस्टिवल कहाँ हम पहुँचा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सिविलाइजेशन और मॉडर्न युग को एक साथ जोड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर आप आए, आपने पार्टिसिपेट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसी तरह से हमारी जो लीडरशिप है चंदन साहब की, खान साहब की, इनकी लीडरशिप में हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख श्री आर के माथुर साहब फॉर एक्सप्रेसिंग योर वैल्यूएबल व्यूज सर।